एंड वेलकम, आप देख रहे हैं चंडीगढ़ अनप्लग्ड और मैं हूं आपकी होस्ट मन्नत। इट इज़ सेड दैट इन एवरी पीस ऑफ आर्ट द आर्टिस्ट हिमसेल्फ इज प्रेजेंट, और हम आज चंडीगढ़ में आपको एक ऐसी ही जगह पर लेकर आ चुके हैं जो किसी की मेहनत, क्रिएटिविटी और सपनों का एक शहर है। आज हैं चंडीगढ़ के रॉक गार्डन में, जिसको बसाया है नेकचंद जी ने। चलिए अंदर चलते हैं और इस मज़ेदार खूबसूरत गार्डन का लुत्फ उठाते हैं। आइए। लगभग 40 एकड़ में फैला ये आइकॉनिक गार्डन पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के एक रोड इंस्पेक्टर श्री नेकचंद जी की खूबसूरत कल्पना और मेहनत का फल है। रात के अंधेरों में नेकचंद जिस अद्भुत दुनिया का निर्माण कर रहे थे, यही है वो कोठरी, यही है वो मिट्टी का घर जो उस टाइम पर भी मौजूद था, जिसमें बैठकर वो इन अजूबों को बनाया करते थे, उनकी रचना किया करते थे। सेल्फ-टॉट इंडियन आर्टिस्ट नेकचंद जी ने चंडीगढ़ की खाली पड़ी बंजर जमीन पर 1957 में काम करना शुरू किया। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट फॉर ऑलमोस्ट 18 इयर्स ही मैनेज्ड टू कीप हिज वर्क अ सीक्रेट। ही आल्सो क्रिएटेड दिस वंडरफुल आर्टिफिशियल वाटरफॉल व्हिच जस्ट लुक्स लाइक अ मैन-मेड वन, और आज भी ये लोगों की फेवरेट जगह है फोटोज क्लिक करने की और फैमिली के साथ मस्ती करने की। हैरान करने वाली बात ये है कि जब नेकचंद जी के सीक्रेट प्रोजेक्ट के बारे में लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटीज को पता चला तो उन्होंने इसका काफी विरोध किया और इसे पूरी तरह तोड़ने का फैसला भी ले लिया गया था। However, with the support from the public, it survived the low phase and the rest is history. Finally, 1976 में रॉक गार्डन को पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया, which was eventually named as one of the heritage sites. 1984 में नेकचंद जी के इस awesome work के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भी किया। The brilliantly crafted sculptures are made from the home and industrial discarded materials. Chandigarh ke sector 4 mein bane is rock garden ko aaj tak lagbhag 14 million log visit kar chuke hain. India mein aisa bahut bola jata hai ki art aur artist bahut hain lekin unki value nahi hai. To yahan mujhe ye ek aur cheez samajh mein aayi ki jahan art aur artist dono ki value इस तरीके से एक सिटी ने और लोगों ने प्रेजेंट करी है कि यू नो वो एक टूरिस्ट स्पॉट बन गया है, जहां रॉक गार्डन की पहचान चंडीगढ़ से और चंडीगढ़ की पहचान रॉक गार्डन से। एक इंटरव्यू में नेकचंद जी ने बताया था कि कई बार इस कबाड़ को इकट्ठा करने के लिए वो 20-20 किलोमीटर अपनी साइकिल पर जाया करते थे। ट्रांसफॉर्म्ड एंड रिसाइकल्ड द डिमोलिश्ड वेस्ट मटेरियल Around the city, he created a world of more than 2,000 sculptures, spending almost 20 years in creating this place. It is very nice to be in Rock Garden and seeing nature's beauty made by Nekchand. Nekchand ने एक बहुत ही छोटे से उससे innovation से start किया था कि waste से हम कुछ बनाएं। उन्होंने अकेले start किया था, but आज उन्होंने इतना अच्छा काम किया कि सरकार उनके साथ लगी और इतना बड़ा स्केल पे इसको बना दिया गया। हमें उनकी इस धरोहर को बहुत संभाल के रखना चाहिए और हो सके तो इसमें कंट्रीब्यूट करके इसको और अच्छा करना चाहिए। तो हम थे चंडीगढ़ के रॉक गार्डन में नेकचंद द्वारा रची गई इस खूबसूरत फैंटेसी गार्डन में। यहाँ पे हमने बातचीत की कुछ फैमिलीज के साथ और जाने उनके व्यूज। अगर आपको भी हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। फॉर मोर अपडेट्स फॉलो अस ऑन आवर सोशल हैंडल्स एंड कीप वॉचिंग चंडीगढ़ अनप्लग्ड।